अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी कुछ नेक्स्ट एक्सरसाइज की बेसिक डेफिनेशंस। और बेसिक डेफिनेशन में क्या क्या काउंट होगा, बेसिक डेफिनेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे जनरल एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। जनरल एंगल्स के बाद फिर हम लोग देखेंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन, स्टैंडर्ड पोजिशन में एंगल किस तरह से बनता होता है, ठीक है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, और उसके बाद हम कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। जनरल एंगल, या इसको हम कहेंगे को टर्मिनल एंगल, को टर्मिनल एंगल, ठीक है। अभी को टर्मिनल एंगल या जनरल एंगल किस तरह से बनते हैं, देखिए एंगल हमने लास्ट की एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था कि व्हेन देयर इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन टू रेज, ठीक है, और यहाँ पे एक एंगल हम बना, ये एंगल फॉर्म करता होता है। और इसकी एक रे को हम बोलते हैं इनिशियल रे, और ये कौन सी होती है जो मूव कर रही होती है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल रे, ठीक है। ये बेसिकली जनरल एंगल्स होते हैं। अब देखिए को टर्मिनल एंगल की जो टर्म हम डिफाइन करना चाह रहे हैं या इसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं वो किस लिए डेवलप हुई, देखिए अब ये एक एंगल है, ठीक है, और जिसकी इनिशियल पॉइंट सेम है, इनिशियल रेज सेम है, और को टर्मिनल देखिए किस तरह से हो सकता है। अब ये जो एंगल है, या तो हम ये कहते हैं कि ये यहाँ से को टर्मिनल रेज स्टार्ट होती है और ये यहाँ पे बन जाता है, तो यहाँ पे इसका एक एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से भी तो हो सकता है ना कि ये एंगल जो इसकी को टर्मिनल रे है वो ऐसे मूव करती 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 एक कंप्लीट रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट करे, ठीक है, और रोटेशन के बाद फिर यहाँ पे आ जाए, लाइक मतलब ये इसको हम एरो से इस तरह से ये कंप्लीट रोटेशन लेके गया और ये यहाँ पे आ गया। अब एंगल की क्या वैल्यू होगी, लेट सपोज के पहले 30 है, ठीक है, यहाँ पे ये 30 है, ये वाला जो अंदर एक एंगल बन रहा है। अब ये कंप्लीट रोटेशन हुई यहाँ तक, देखिए कंप्लीट रोटेशन कहाँ तक होगी, 360 हो जाएगी, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास 30 आ जाएगा, तो ये एंगल क्या बनेगा, ये हो जाएगा 360 + 30, ठीक है, और ये हो जाएगा 390। सेम टाइम में हम ये कहते हैं कि चलें ये एक रोटेशन कंप्लीट हुई, दूसरी रोटेशन कंप्लीट करने के बाद फिर यहां पे आ जाता है एंगल, ठीक है। देखिए एंगल की वैल्यू तो अभी भी वही है, लेकिन वो दो रोटेशन पीछे कंप्लीट कर चुका है। अब यहां पे क्या वैल्यू आएगी, 360 × 2, 360 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 720 + 30 अगेन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 750, ठीक है। एंगल की वैल्यू से बढ़ती रहेगी, लेकिन वो क्या होगा, वो देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ 360 होगा, लाइक देखिए 30 + 360, 30 + 2 × 360, ठीक है। अब ये इस तरह से एंगल बनते होते हैं, ठीक है। अब ये मीन ये है कि इनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, इनिशियल रे जो होगी वो सेम होगी, और जो टर्मिनल रे होगी वो लाइक सेम टर्मिनल पॉइंट पे होगा, नंबर ऑफ रोटेशन डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका कोट जो टर्मिनल एंगल है हम वो बनाते होते हैं। अब देखिए जो जनरल एंगल है, जनरल एंगल जो हम लोग डेवलप करेंगे, जनरल एंगल हम किस तरह से बनाएंगे, जनरल एंगल जो होगा देखिए ये है थीटा, लेट्स सपोज जनरली हम लिखते हैं थीटा है, ठीक है, और उसके अंदर कितने ऐड हो रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ 2π ऐड हो रहा है ना, 360 2π होता है, तो इसको हम लिखेंगे k × 2π, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं θ + 2kπ। अब ये kπ जो है, लाइक जो k है वो नंबर ऑफ रोटेशंस को बता रहा है, अगर रोटेशन 1 है, ठीक है, 1 रोटेशन के बाद आया है, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, देखिए θ + 2 × 1π, तो यहाँ पे हमें बता रहा है θ + 2π, एक रोटेशन के बाद आया। हम कहते हैं कि रोटेशन कोई भी नहीं है, जीरो रोटेशन, तो जीरो रोटेशन कैसे बनेंगे, θ + 2 × 0π, तो ये जस्ट थीटा आ जाएगा हमारे पास एंगल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम इसके जो जनरल एंगल्स हैं, ये जो जनरल एंगल होगा वो हम किस तरह से बना सकते हैं, θ + 2kπ, ठीक है, θ + 2kπ से हम इसका जनरल एंगल बना सकते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन।
अब देखिए, अब तक हमने ये पढ़ा कि जो एंगल होता है वो क्या बनेगा, वो एंगल एक सेम इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट उनका सेम होना चाहिए, ठीक है। ये इनिशियल रे है और ये टर्मिनल रे, ठीक है। ये तो एक जनरल सा एंगल बन गया। अब हम कहते हैं कि एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन क्या होगा। तो बच्चों, स्टैंडर्ड पोजिशन का जो एंगल बनेगा ना, वो इस तरह से होगा कि अगर हम लोग देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है। इस कोऑर्डिनेट का ये है ओरिजिन। अगर तो इनिशियल रे जो है, जो हमारी इनिशियल रे है वो होगी कौन सी, वो हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ही होनी चाहिए, लाइक पॉजिटिव एक्स एक्सिस होना चाहिए। और जो टर्मिनल रे है वो भी ओरिजिन से ही स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। ओरिजिन से स्टार्ट होगी तो हमारे पास ये एंगल क्या बनेगा, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजिशन, ठीक है। ये एंगल जो है स्टैंडर्ड पोजिशन में होगा। अब देखिए, स्टैंडर्ड पोजिशन को हम और किस तरह से, लाइक हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ये हमारे पास थीटा एक एंगल बन गया। अब देखिए, चले हम चलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की तरफ। देखिए, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जो इनिशियल होना चाहिए वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होना चाहिए, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखें, अगर हम इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को देखें तो ये एक पार्ट है, ये उसका दूसरा पार्ट, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो इसको हम क्वाड्रेंट्स का नाम देंगे। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब जिस तरह से हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, और यहां पे ये जो डाउनवर्ड होता है ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये देगा सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए, यहां पे हमारी इनिशियल रे तो सेम है। यहां से अगर देखिए, ये टर्मिनल रे मींस कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा। यहां पे अगर देखिए, यहां से एंगल इस तरह से बन रहा है, तो हमारे पास जो टर्मिनल टर्मिनल जो रे है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास एंगल होगा वो इज इन सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा होगा। सेम टाइम में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट भी बन सकता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट भी बन सकता है। किस तरह से, भला ये देखिए, ये यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट बन गया, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट भी हमारे पास यहाँ पे बन सकता है। तो ये सारे इस तरह से हम जो एंगल है ये स्टैंडर्ड पोजिशन में रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। और ये क्या होगा, ये हम इसको क्वाड्रेंट वाइज को हम चेक भी कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम इनके ना लेबल कर लेते हैं। ये हमारे पास होगा ए, ठीक है, ये हमारे पास होगा बी और ये सी। अब देखिए, ये राइट एंगल है, इसके ऑपोजिट ये सी, इसके ऑपोजिट ए, और ये इसके ऑपोजिट बी, ठीक है। ये हमारे पास एंगल आ जाएगा थीटा। जी, अब देखिए, हमें हमने फाइंड करना है, देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन सकता है बेसिकली, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हम यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम भी अप्लाई हो सकता है। देखिए, पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इस ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर बेस, और ये हमारे पास क्या है, इसका हम बोलेंगे, इसका नाम है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, वो बेसिकली हमारे पास इन्हीं थ्री साइड्स को मिलके बनते होते हैं। देखिए, पहला हमारे पास है साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखिए, साइन थीटा, अगर हम साइन थीटा फाइंड करते होते हैं तो वो क्या होगा, वो होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन है, नेक्स्ट हमारे पास है कॉस थीटा, उसका नाम है कॉस थीटा, सी ओ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट थीटा। टेंजेंट होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, अच्छा। ये हमारे पास तीन जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके इनवर्स भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। साइन का क्या होता है, साइन का होता है कोसेकेंट थीटा,
कोसिकेंट क्या बनेगा, कोसिकेंट बनेगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। कॉस का क्या होगा, कॉस का होगा सीकेंट थीटा, इसको हम एस ई सी से डिनोट करते हैं सीकेंट थीटा। ये हमारे पास बन जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। और टेन का इन्वर्स क्या होता है, टेन का इन्वर्स होता है कोटेंजेंट, जिसको हम लिखते हैं कॉट। कॉट क्या होता है, कॉट होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, राइट। ये हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास छह बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अच्छा, यहां से आप अज्यूम कर सकते हो जो साइन है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है, इसका दूसरा क्या हो सकता है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जो हमारे पास कोसिकेंट थीटा है वो वन ओवर साइन थीटा हो सकता है, ठीक है। देखिए, जब इसके अंदर साइन की वैल्यू आएगी तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, वन ओवर कॉस थीटा कोटेंजेंट थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, वन बाय टेन थीटा। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, या इन थ्री को काउंट करें, इन थ्री को काउंट करें, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। तो हमारे पास जो सिक्स आएंगी, ये जो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। अब हम इसको फाइंड किस तरह कर सकते हैं, देखिए किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या बनेगा, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक एंगल है, ठीक है, ये एक एंगल है। अब देखिए इसके एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा, ये इसका एक्स कॉम्पोनेंट है और ये इसका क्या है, ये इसका वाई कॉम्पोनेंट है। अब अगर हमें ये रिजल्टेंट फाइंड करना है आर, तो हम किस तरह कर सकते हैं, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल स्क्वायर, ये हमारे पास है आर, ठीक है। अब देखिए हमें फाइंड करना है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। तो देखिए इसको हम यहां पे राइट करेंगे, साइन हमारे पास क्या बनेगा, साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, वाई डिवाइड बाय आर। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हमारे पास होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस ओवर, सो ये हो जाएगा एक्स ओवर आर। अब देखिए यहां पे टेंजेंट, टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो वाई ओवर एक्स, ठीक है। अब इन्हीं का इन्वर्स निकाल के हम बाकी कोसिकेंट सीकेंट और कोटेंजेंट भी फाइंड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज अब हम लोग करने लगे हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है। और इसके अंदर हमारे पास देखिए तीन टाइप की आइडेंटिटीज हैं, जो कि तीन बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, इन आइडेंटिटीज का। तो चलिए इनको आइडेंटिटीज को देखते हैं और फिर इनके प्रूफ को भी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये तीन फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। पहली मैं दोबारा राइट कर देता हूँ, यह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, ठीक है। ये हमने प्रूव करनी है और इसका हम प्रूफ देखते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए, ठीक है, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके अंदर देखिए ए के ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे ए होगा, ये सी है और ये बी है, ठीक है। अब बाय पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है, अब देखिए पाइथागोरियन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होते हैं, लाइक हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए यहां पे अगर हम होल साइड सी स्क्वायर डिवाइड कर देते हैं, वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ओवर सी होल स्क्वायर प्लस बी ओवर सी होल स्क्वायर। अब देखिए ए ओवर सी क्या है, ए ओवर सी इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारे पास होगा साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, बी ओवर सी, इट इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये होगा कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू वन। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास बन गई पहली आइडेंटिटी। तो चलिए दूसरी आइडेंटिटी को देखते हैं, दूसरी हमारे पास है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये हमारे पास आइडेंटिटी है, हम अगेन फॉलो करेंगे अपनी, यहाँ पे हम लिखेंगे सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
अब देखिए हमें कॉर्ड बनाना है, कॉर्ड बेसिकली क्या होते हैं, साइन टेन होता है परपेंडिकुलर और बेस, तो ये होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो नीचे परपेंडिकुलर आ रहा है तो हम परपेंडिकुलर साइड जो ए साइड है हम डिवाइड कर देंगे, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, सी ओवर ए होल स्क्वायर प्लस और इक्वल्स टू वन प्लस बी ओवर ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब सी ओवर ए क्या है, सी ओवर ए इज हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये हमारे पास होता है साइन, साइन का इनवर्स क्या होगा कोसिकेन, तो ये हो जाएगा कोसिकेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी देख लेते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा सिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको भी हम अगेन पाइथागोरियन थ्योरम से ही फॉलो करते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए सिकेंट स्क्वायर बनाना है टेन स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, हम पहले हमने ए से डिवाइड किया था, अब हम बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हम बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाएगा सी ओवर बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए ओवर बी होल स्क्वायर प्लस वन। जी बच्चों, सी ओवर बी क्या होगा, सी ओवर बी इज परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ओवर हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, कॉस का इनवर्स आ जाएगा सिकेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए ओवर बी परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है टेन प्लस वन, तो इसको हम रीअरेंज करके वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और यहाँ पे सिकेंट स्क्वायर थीटा। जी स्टूडेंट्स, ये हमारी आइडेंटिटीज के प्रूव हो गए, और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक हमें जिन चीज़ों में वर्क करना था वो यहीं आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।